भाव, इसका मतलब, कहने का मतलब आपका ये है कि इस धरती पे भगवान नहीं है। अब देखिए, ऐसा सबकी सोच होती है अलग अलग। आम तौर पे जब आप मंदिर में जाते हो तो आपको लगता है भगवान के पास गए। घर में हम पूजा, घर में पूजा करते तो हमें ऐसा लगता है कि हमने भगवान की पूजा की। लेकिन एग्जैक्टली भगवान क्या है? मुझे कई बार ऐसा ये सवाल पूछा गया है कि भगवान है तो कैसा है और कैसा होगा, अगर है तो कैसा है और है या नहीं। ये सबसे बड़ी बात दिमाग में होती है लोगों की, भगवान है या नहीं। मंजिल मंजिल करती दुनिया, मंजिल की कोई शय नहीं, जिसको देखा चलते देखा, पहुंचा तो कोई है नहीं। तो कई बार बड़े महात्माओं से मैंने ये बात सुनी और एक आम व्यक्ति की एक सोच होती है। हम जैसे बाजार में जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, तो आपको एक एसी लेना है, आपको एक पंखा लेना है, आपको एक फ्रिज लेना है, आप जो जो भी आप बाजार से लेना चाहते हैं, तो आपको एक 150 रुपये का प्लास्टिक का बकेट लेना है, फिर भी आप उसकी गारंटी पूछते हैं। तो आपको अगर हर चीज़ की गारंटी चाहिए तो भगवान की भी तो गारंटी चाहिए। जब गारंटी पे हम लोग जीते तो भगवान क्या है ये भी विश्वास पात्र हमारे पास कोई एक ठोस सबूत हमें मिले तो हम लोग माने कि भाई भगवान है। नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कई बार कि यार भगवान उस पर आप कितना विश्वास करते हैं ये बात इम्पोर्टेंट है, आप पर दुनिया कितना भरोसा करते हैं, ये आपकी भक्ति होती है, आपकी ये श्रद्धा, तो ये अलग बात है। कई जगह पे अभी हम देखते हैं स्नान तो घर में भी बैठ के होता है, लेकिन कई महात्माओं के संग हम लोग जाते हैं, कुंभ में जाते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, ये हमारी श्रद्धा है। चाहे वहाँ का पानी कैसा है उससे लोगों को कोई मतलब नहीं, लेकिन ये श्रद्धा होती है। और ये श्रद्धा आस्था ये भगवान नाम की एक व्यवस्था के साथ में जुड़ी है। तो हर चीज़ की आपको गारंटी चाहिए, हर वस्तु की आपको गारंटी चाहिए, और फिर भगवान जो दिखता नहीं है उस पर हम इतना विश्वास करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके बुरे समय पे, आपके बुरे वक्त में आपको सहारा देने वाली जो कोई व्यवस्था हो, जो कोई इंसान हो, ये आपके लिए भगवान है, भगवान और कुछ नहीं। तो एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई अभी कि मैं कई कथा प्रवचनों में ये बोल चुका हूँ। एक भिखारी मंदिर के सामने बैठा है, तो 4 दिन तक 5 दिन तक जैसे मंदिर के सामने वो लगा रहा अपने ड्यूटी पे, तो जो भी आते हैं, जो धार्मिक, जिन्हें हम धार्मिक कहते हैं, कि ऐसे लोग आते हैं मंदिरों में, 1 रुपये देने वाला आदमी सलाह भी ज़्यादा देता है, तो पूरे दिन भर में सुबह से शाम तक भिखारी बैठा रहा, तो 12 रुपये 14 रुपये 15 रुपये 20 रुपये के ऊपर उसका धंधा गया नहीं। एक दिन उसने सोचा कि यार चलो मंदिर की जगह बदली कर देते, फिर मस्जिद के सामने जाके बैठा है, तो वहाँ पे भी दिन भर में आने वाले जो भी लोग हैं वो 2 रुपये 5 रुपये देने वाले तो कोई था नहीं, 1 रुपया 2 रुपये देने वाले जो भी है वो सलाह ज़्यादा दे रहे, पैसा कम दे रहे। भाई जवान है, काम नहीं कर सकता है, फोकट का खाने की आदत पड़ी है, अभी काम करना है। लोग कई बार सोचते हैं कि यार काम करना है तो ये भी तो एक काम है। मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है कि भाई ये भीख मांगना है ये भी तो एक अच्छा धंधा है, ये भी अच्छा काम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम में जो हिम्मत की ज़रूरत है वो दूसरे किसी काम में नहीं। किसी को ऐसा लगे कि भाई भीख मांगने में कौन सी हिम्मत लगती, तो आप मांग कर दिखाओ, फटे पुराने कपड़े पहन के, आप हाथ में पतीला लेके आपके गाँव में आप भीख मांग कर दिखाओ, बड़ी हिम्मत लगती है इसमें। तो उस भिखारी ने तीसरे दिन फिर वो चर्च के सामने जाके बैठा है, वहाँ पे भी वही हालत, परेशान और मायूस भिखारी। एक दिन जब शाम को घर निकला जाने के लिए, तो शाम को 7 बजे किसी शराब के ठेके के सामने से गुजरा, और एक शराबी जैसे शराब पी के जो भी हो उसका कर्म हो करके जब बाहर पड़ा है, तो जो खुला पैसा जेब में डाल रहा था उसी समय उसने देखा कि एक भिखारी सामने से गुजर रहा है, उस भिखारी के पतेले में उसने 10 रुपये का नोट डाल दिया, चुपचाप शराबी चला गया। अब हादसा वाकया ये होता है कि भिखारी देख रहा है वो शराब के ठेके की तरफ, फिर वो शराबी की तरफ। भिखारी मन ही मन में सोच रहा है यार धार्मिक लोग तो यहाँ पे ज़्यादा मिल सकते, और फिर भिखारी ने वहीं पे डेरा जमा लिया। शाम को 7 बजे से रात को 11 बजे तक 940 रुपये धंधा मिला है, और किसी शराबी ने उसको सलाह दी नहीं। जो भी आता है बाहर, किसी ने 2 रुपये डाल दिए, किसी ने 5 रुपये, किसी ने 10 रुपये, कोई तो ऐसे भी होते मदमस्त, किसी ने 100 रुपये डाल दिए। तो एटीट्यूड बदलता है इंसान का, पैसा आ जाए
तो रुतबा बदलता है। दूसरे दिन सुबह भिखारी ने अच्छे टाइट फिट कपड़े पहन लिए, मंदिर में गया और साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद उसको किसी ने रोका भी नहीं। और फिर जैसे मंदिर में पहुंचा, भगवान के सामने उसने 100 रुपये का नोट रखा और भगवान से पूछता है कि यार तू रहता कहाँ पर है, तेरा पता कहाँ का देता है, मैं तुझे गलत एड्रेस पे ढूंढ रहा था। तो मेरे ख्याल से भिखारी को जो भी सहारा देने वाली व्यवस्था मिली है वो तो शराब के ठेके से मिली है, उसके लिए तो शराब ही भगवान है। बाकी आमतौर पर हम जो सोच होती है कि भाई भगवान है तो कैसा है, दिखता है या नहीं दिखता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि जो भी हम देखते हैं हमारे देश में जो अवस्था है लोगों की, तो यहाँ पर हालात ये है कि ना तो पूरी तरह से आस्तिक कोई है और ना पूरी तरह से कोई नास्तिक भी है। आस्तिक है उसके भी मन में शंका है, जो आस्तिक है उसको भी लगता है कि यार भगवान होगा तो कैसा होगा, फिर दिखता क्यों नहीं, कभी मिलता क्यों नहीं। अब ये बात अलग है, ये चैप्टर अलग होगा फिर बोलने के लिए, कभी बता सकते हैं कि अगर भगवान, लोग कहते हैं कि भाई भगवान सामने कभी मिलना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। अभी समझो मानो कि हनुमान जी आपके सामने प्रकट हो गए, आपकी हालत क्या होगी? एक बंदर का बच्चा सामने आ जाए तो हमारी पूरी हालत खराब हो जाती। अब साक्षात हनुमान जी सामने आ जाए तो फिर तो हार्ट अटैक। और जिस भगवान के मिलने के बाद में हमारे बचने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है, उस भगवान का दर्शन पाके क्या करूँ। तो चलो जो आमतौर पर जो जिंदगी में हमारे जो होता है पूजा पाठ होता है और भगवान की खोज में हम लोग जो दौड़ते हैं, चलो यहाँ गए वो तीर्थों में गए, तिरुपति में गए, यहाँ गए, जो जो भी है एक श्रद्धा के साथ में एक आस्था के साथ में लोग जुड़े हैं। और ये भागा दौड़ क्यों है कि यहाँ पे भी बस एक दुख, एक परेशानी, ये सब कुछ हमारे पीछे होती है, इसलिए हम लोग भगवान का पीछा करते हैं कि कोई तो यहाँ से हमें मुक्ति देगा, कोई तो हमारा सहारा बन सकता है। लेकिन आमतौर पर आम जिंदगी में आमतौर पर जो भी लोगों को सहारे की आवश्यकता पड़ती है, अपने दुख दर्द को मिटाने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे समय पे कोई आता है दौड़ के हमारे लिए, जो हमारी उंगली पकड़ के हमें सही रास्ते पे ले आता है। मुझे लगता है कि भगवान इससे कुछ अलग नहीं हो सकता, यही भगवान है, यही भगवान का स्वरूप है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।